Hello friends, welcome to all on Educo Gravity study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, आज का हमारा टॉपिक है कि एग्जिम 4 मिशन क्या है. Well, पिक्चर से हमें पता चल रहा होगा कि ये जो कंबाइंड आपका कह सकते हैं मिशन है इसरो का और नासा का, ठीक, जो कि इसरो जो है हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है और जो नासा है वो आपके अमेरिका की स्पेस एजेंसी है. इनको हम यहाँ डिटेल में कवर करने वाले हैं, लेकिन एक प्राउड मोमेंट है सभी इंडियंस के लिए जिसमें दो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं. ये हैं शुभांशु शुक्ला जी और ये हैं हमारे प्रशांत बालकृष्णन नैयर जी. ये मेन पायलट के रूप में सेलेक्ट हुए हैं, तो इसी को हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं. सो इन रिसेंटली न्यूज में देखा गया है कि इंडिया हैज शॉर्ट लिस्टेड 2 एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेटेड फॉर द अपकमिंग एग्जिम 4 मिशन के लिए, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने को है उसके लिए सेलेक्ट किया गया है. नाम मैंने आपको बताया शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालकृष्णन नैयर जी. इंडिया ने सेलेक्ट किया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नैयर फॉर द अपकमिंग एग्जिम मिशन, कहा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष के लिए. मिशन जो है पार्ट जॉइंट है आपका, हाँ जॉइंट मतलब दो लोगों के बीच का है, इसरो और नासा दोनों का है. स्टेमिंग फ्रॉम स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट विद एग्जिम स्पेस इंक के साथ, ग्रुप कैप्टन शुक्ला विल सर्व एज अ प्राइम मिशन पायलट होंगे और जो हमारे ग्रुप कैप्टन बालकृष्णन प्रशांत बालकृष्णन नैयर जो होंगे वो बैकअप पायलट होंगे. तो देखिए भारत का जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट इसरो, जिसका हिंदी में नाम हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहते हैं, और अमेरिका का आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इन शॉर्ट नासा, ये दोनों का आपका ज्वाइंट एक प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है एग्जिम 4 मिशन के तहत, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए अपने 4 जो आपके प्रशिक्षित करने के लिए जो हमारे हमारा भी मिशन है अंतरिक्ष में जाने का, उसका नाम गगनयान है, तो उनको कह सकते हैं कि उनको उसके लिए ट्रेनिंग करने के लिए इसमें से हमारे इंडिया से 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं. अगर ये जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा और इंडिया का ये जो हमारा इसरो का एग्जिम 4 है मिशन, तो ऑब्वियसली इन 2005 में जो 2025 में इंडिया का जो गगनयान मिशन है ये उसमें इंक्लूड हो. तो एग्जिम मिशन क्या है, नासा जो कि अमेरिका का ये, और ये यहाँ पे पॉइंट हमें समझने वाली है कि ये जो है आपका एक प्राइवेट मिशन है. हाँ, अब इस मिशन का लक्ष्य क्या होगा कि 14 डेज जो लोग जाएंगे वो ISS मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहेंगे, वहां पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके एक्सपेरिमेंट्स होगा. हाँ, ये सारी चीजों को इसमें कवर किया जाएगा. तो देखिए ये सडनली कैसे हमें न्यूज में पता चला कि हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2023 में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे, तो उस दौरान अमेरिका और इंडिया के बीच में ये आपका एग्रीमेंट हुआ था कि नासा का जो आर्मिटिस है उसमें एग्रीमेंट हुआ था कि इसरो के साथ ये लोग मिलके ऐसा मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेंगे जिसमें इंडिया के भी एस्ट्रोनॉट आपके इंक्लूड होंगे. हाँ, अब भारत का जैसे गगनयान है 2025 में होगा पूरा, जिसे अनमैन मानव रहित उड़ान की योजना बनाई गई है. ओके, मानव युक्त उड़ानों का परीक्षण मतलब कि जो उसका एक्सपेरिमेंट है 2 सफल मानव रहित मिशनों के बाद किया जाएगा, मतलब थर्ड उसको जाने से पहले पहले उसका अर्थ पे प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट होगा. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट इसका. Both astronauts will undergo training in US starting in August 2024. Their participation will contribute. क्या क्या वहां पे इंटरनेशनल स्पेस आपके स्टेशन में जाके क्या क्या काम करना है, तो साइंटिफिक रिसर्च होंगे, टेक्नोलॉजी को वहां पे डिमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, जो वहां यहाँ से इक्विपमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी के क्या वहां पे किस तरह से वो काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि इन फ्यूचर स्पेस के लिए टूरिज्म भी बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें इस टाइम कुछ टूरिस्ट लोग भी हैं. एंड एनहेंस इंडिया ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम वाइल स्ट्रेंथनिंग इसरो नासा कोऑपरेशन.
दोनों इसरो नासा का जो आपका कॉपरेशन है, एक साथ मिलके कई तरह के और भी प्रोजेक्ट्स को एक साथ बनाना। देन अब पढ़ते समझते हैं एग्जीम 4 मिशन के बारे में। तो एग्जीम 4 मिशन इन शॉर्ट AX-4 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि ऑपरेट होगा बाय एग्जीम स्पेस एंड यूज होगा इसमें आपका स्पेस एक्स, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है उसके क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के थ्रू। द फ्लाइट इज इन कोलैबोरेट किसके साथ है, विथ नासा के साथ, एंड विल बी द फोर्थ फ्लाइट। इसके पहले एग्जीम मिशन 1, 2, 3 जा चुका है। शेड्यूल कब है, लॉन्च होगा आपके 2024 मतलब दिसंबर तक ये आपका हो जाएगा। एग्जीम 4 विल बी कंटिन्यू द कंपनी पायरिंग एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस इन लो अर्थ ऑर्बिट में। वहां पे ह्यूमन प्रेजेंस को अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश कर देना है कि इन फ्यूचर हम उसमें और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सके ये सारी चीजों के लिए, कि वहां पे रह के देखे कि क्या वहां पे हम किस तरह से वहां का इन्वायरमेंट है। हाँ, ये सारी चीजों को वहां पे स्टडी करना है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, देखिए अर्थ इस सरफेस से 200-300 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक को। लो अर्थ ऑर्बिट इज एन ऑर्बिट विद एल्टीट्यूड कितने से कितना, 300 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर। अब लियो में क्या होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका इंक्लूड है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, हैवी आयंस, न्यूट्रॉन्स एज और अदर और भी। तो ये इसका पिक्चर है लो अर्थ ऑर्बिट का। हाँ चलिए आगे देखते हैं। मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला है कमर्शियल स्पेस को और बढ़ाना। एग्जीम 4 एम टू फैसिलिटेट कमर्शियल एक्टिविटी इन स्पेस में बढ़ाना, जिसमें इंक्लूड होगा साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड स्पेस टूरिज्म को भी बढ़ावा देना। द मिशन विल बी हेल्प टू डेमोन्स्ट्रेट द वायबिलिटी ऑफ कमर्शियल स्पेस एज वेल एज प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस एंड इनोवेशन के लिए भी इसको यूज करना। सेकेंड है इंटरनेशनल कोलेबोरेशन करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक पर्टिकुलर देश ना इंक्लूड हो, और भी लोग हो हाँ जिनको इंटरेस्ट हो कि स्पेस में जाना है, स्पेस में टेक्नोलॉजी को यूज करना है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीजें। एग्जीम 4 इज सेट टू कैरी अ डाइवर्स क्रू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के भी इसमें लोग हैं, इसके जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं, विच रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एज वेल एज दिस मिशन विल बी स्ट्रेंथ then partnership between nations and contribute to global space initiative को और ज्यादा बढ़ावा देना। थर्ड वन इज रिसर्च और डेवलपमेंट देखना। द मिशन विल सपोर्ट वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वहां पे किया जाएगा, माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट स्पेस में कैसा है, ये सारी चीजें को। रिसर्च एरिया जिसमें मटेरियल साइंस होगा, बायोलॉजी, अर्थ ऑब्जर्वेशन और भी दूसरी चीजें, जो कि विद द पोटेंशियल टू विल ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज एंड अनदर इनोवेशंस इन फ्यूचर। स्पेस क्राफ्ट एंड क्रू, द मिशन विल यूज स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट लॉन्च टॉप ऑफ फॉल्कन 9 रॉकेट। द क्रू विल बी कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स होंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी जा सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है। हाँ, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा देना होगा नासा को, इंक्लूडिंग रिसर्चर्स जाएंगे, पोटेंशियल टूरिस्ट जाएंगे जिनको वहां पे घूमने का शौक है, हु हैव अंडरगोन रिग्रस ट्रेनिंग फॉर द मिशन, और इससे पहले इनको इस मिशन को इसका जो ट्रेनिंग होगा प्रॉपर उसके थ्रू होके जाना पड़ेगा। ड्यूरेशन एंड एक्टिविटीज क्या होगी, कितने टाइम के लिए होगा, तो ये 14 डेज के लिए होगा। ड्यूरिंग देयर टाइम अब्रॉड द ISS द क्रू विल कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, परफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन एंड एंगेजिंग इन एजुकेशनल आउटरीच। फिर कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन डेवलपमेंट करना है। एग्जीम स्पेस लॉन्ग टर्म विजन है, इंक्लूड बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाना है। एग्जीम 4 मिशन जो है, विच इज अ पार्ट ऑफ कंपनी ब्रॉडर प्लान टू इवेंचुअली ट्रांसिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू देयर ओन इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल आउटपोस्ट बनाना। देन
अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो आपका मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जो कि लॉन्च किया गया था 1998 में, मतलब बनाया गया है। मॉड्यूलर स्टेशन कैन अलाउ मॉड्यूल्स टू बी एडेड और टू रिमूव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर अलाउिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हम अपने तरीके से इसमें बदलाव कर सकते हैं। ओके ठीक। इट इज अ लार्ज लेबोरेटरी है इन स्पेस that allow astronaut to come abroad and stay for week or month और carry अपने experiments को वहाँ पे कर सकते हैं। First crew जो था पहुँचा था November 2, 2000 पे। फिर objective क्या है? तो scientific research को देखना, astrobiology, astronomy, meteorology, physics और other fields जो है। Largest artificial object in space है अभी तक का। हाँ, और Earth का ये it circles the Earth roughly 93 minute में गोल घूमता है, completing 15.5 orbit per day। Currently जो है ISS has 8 solar arrays है which generate about 160 kilowatt of power। और कितने altitude पे है? 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज कौन कौन से? मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव है, कोई एक पर्टिकुलर देश नहीं है जिसमें आपका अमेरिका, रशिया, जापान भी है। तो यूएसए का नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, रशिया का रॉसकॉस्मोस, स्टेट कॉरपोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज और जापान का जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप, कैनेडियन स्पेस एजेंसी कैनेडा का है। और स्टेशन जो है दो सेक्शन में डिवाइड है। द रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट ROS ऑपरेटेड बाय रशिया करता है इसको ऑपरेट, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट जो कि यूएस और दूसरे नेशन कोलैबोरेट करके इसको आपका कह सकते हैं कि ऑपरेट करते हैं। द ओनरशिप एंड यूज ऑफ द स्पेस स्टेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज और एग्रीमेंट के थ्रू। इस यहाँ पे इसका मेंटेनेंस होते रहता है। तो ये तो रहा एग्जिम मिशन। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।